हेलो गाइस, वीडियो में आपका स्वागत है। एंड वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ईए स्पोर्ट्स एफसी मोबाइल के बारे में। एंड उसके बारे में जो जो जानने की ज़रूरत है उसके लॉन्च डेट से पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में समझा दूंगा। एंड इसलिए ये वीडियो पूरी एंड तक देखना और एंड आपको सब समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है आपको ईए स्पोर्ट्स एफसी के लिए। ये स्पोर्ट्स एफसी लॉन्च होगा ऑन 26 सितंबर। एंड उसके लिए कोई भी दूसरा ऐप नहीं होने वाला, जो करंटली आप फीफा मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं वही ऐप में अपडेट आएगा। प्ले स्टोर में फॉर एंड्रॉयड, आईओएस में ऐप स्टोर में अपडेट आएगा, वहां से अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फीफा मोबाइल का करंट ऐप है वही ईए स्पोर्ट्स एफसी का ऐप पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्या क्या कैरी ओवर होने वाला है ईए स्पोर्ट्स एफसी मोबाइल में फीफा मोबाइल से? सबसे पहले यूज़र नेम आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा ईए एफसी मोबाइल में। एंड यूज़र आईडी भी उसके साथ साथ कैरी ओवर होने वाला है। एंड फीफा पॉइंट्स, जो अभी आपके फीफा मोबाइल में फीफा पॉइंट्स है वो ईए स्पोर्ट्स एफसी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बट उनका नाम चेंज हो जाएगा एफसी पॉइंट्स करके। यही चीज़ें सिर्फ ट्रांसफ़र होने वाली है ईए स्पोर्ट्स एफसी मोबाइल में। क्या क्या चीज़ें कैरी ओवर नहीं होने वाली है, मतलब ट्रांसफ़र नहीं होने वाली है फीफा मोबाइल से ईए स्पोर्ट्स एफसी मोबाइल में, उनका पहले सबसे पहले प्लेयर आइटम रोस्टर, प्लेयर्स जो हैं आपके सारे प्लेयर्स चले जाएंगे, टीम वो नहीं रहेगी, टीम न्यू बनानी पड़ेगी आपको। एंड कॉइन्स नहीं रहेंगे, कॉइन्स जीरो कॉइन्स, मतलब जितने जीरो कॉइन्स से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जेम्स भी नहीं ट्रांसफ़र होने वाले हैं, ना आपकी लीग ट्रांसफ़र होगी, लीग भी कैंसिल हो जाएगी, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहेगा। एंड उसके बाद अकाउंट लेवल होता है, अकाउंट लेवल भी नहीं कैरी ओवर होने वाला है ईए स्पोर्ट्स एफसी में। इमोट्स नहीं होंगे, लोगोज नहीं होंगे, एंड किट्स भी नहीं होने वाले, स्टेडियम भी नहीं होने वाले। लीडरशिप रैंकिंग, जो अभी आप डिवीज़न राइवल में लीडरशिप है आपका रैंकिंग है वो भी नहीं होने वाला। आपके फैंस है जितने जोन से भी लेजेंडरी में है, फीफा चैम्पियन में है, वर्ल्ड क्लास में, वो भी कैरी ओवर नहीं होने वाले। एंड आपका फ्रेंड्स एंड फ्रेंड लिस्ट भी कैरी ओवर नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिकवर कैसे करें आपके पुराने इमोट्स, लोगोस, किट्स एंड स्टेडियम। ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होने वाले कि जैसे ही आप लॉग इन करेंगे ईए स्पोर्ट्स एफसी में अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तब वो नहीं होंगे, ठीक है, तब वो साथ में ट्रांसफ़र नहीं होगी, उनको अलग से रिकवर करना पड़ेगा इमोट्स को, लोगोस को, किट्स को और स्टेडियम्स को। स्टार्टिंग जब होगा सीजन का तो तुम आप लोग उनको सबको हमको भी गिफ्ट मिलेंगे इमोट्स स्टार्ट करने के लिए गेम, जस्ट जो रैंडम जो भी ईए एफसी की तरफ से जो जो इमोट्स मिलेंगे वो मिलेंगे। अभी तक ईए स्पोर्ट्स एफसी ने अभी तक क्लियरली नहीं बताया कि रिकवर कैसे करना है, ठीक है। रिकवर 100% होंगे ये ईए स्पोर्ट्स एफसी ने बता दिया है कि इमोट्स रिकवर होंगे, लोगोज रिकवर होंगे, किट्स रिकवर होगी और स्टेडियम भी रिकवर होंगे, ओके। लेकिन उनका एक्चुअल प्रोसेस अभी तक उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा है कि जब रिडीम करने का टाइम आएगा पुराने आइटम्स, लोगोस, किट, स्टेडियम एंड एक्सेट्रा जो भी किट्स, वो हम लॉन्च डेट जैसे पास आएगा बता देंगे। मैंने एक फाउंडर इवेंट के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि एक्सप्लेन करती है कि कौन से प्लेयर ट्रांसफर होने वाले हैं फाउंडर इवेंट से ईए स्पोर्ट्स एफसी में, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। एंड उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और कंटेंट के लिए। एंड अभी के लिए पीस आउट।